हेलो फ्रेंड्स, आज बनाएंगे मिल्क पाउडर से बिल्कुल मार्केट जैसी आइसक्रीम। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना और अच्छा लगे तो शेयर भी करना और कमेंट करके मुझे बताना। तो इसके लिए ना मैंने लिया है मिल्क पाउडर, और मिल्क पाउडर में मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूँगी, एक साथ पानी ऐड नहीं करूँगी, वरना तो हमारा मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा और इसमें लम्ब्स आ जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी करके मैं इसको अच्छे से, मतलब इसका पेस्ट बनाऊंगी अच्छे से स्मूथ सा। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर लूँगी। तो इसके लिए ना फ्रेंड, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, प्लीज़ स्किप मत करना और कमेंट कर दिया करो, बताया करो कैसा लगा कैसा नहीं लगा, क्योंकि फिर इससे ना मोटिवेशन मिलती है यार, और बनाने का भी मन करता है। तो अब मैंने इसको, जो मैंने मिक्स किया था उसको मैं गैस पे रख लूँगी, और इसको मैं तब तक गैस पे रखूँगी जब तक इसका एक, मतलब थोड़ा गाढ़ा, ज़्यादा गाढ़ा नहीं, थोड़ा गाढ़ा इसे पेस्ट सा बन जाएगा। तब तक इस मिल्क को मैं अच्छे से मिक्स करती रहूँगी, जैसे रबड़ी टाइप नहीं होता वैसे टाइप, इसको अच्छे से घुमाती रहूँगी और इसको मिक्स करती रहूँगी। फिर उसके बाद मैं ये ले लूँगी, कॉफ़ी मग जो थे वो ले लूँगी, और इसमें मैं ये जो मिल्क पाउडर का जो बनाया हुआ था वो इसमें डाल दूँगी। और डालने के बाद में मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी टूटी फ्रूटी, और सब में ये टूटी फ्रूटी ऐड कर दूँगी। और टूटी फ्रूटी ऐड करने के बाद में मैं इसमें थोड़ा सा नारियल का बुरादा भी ऐड करूँगी। इसमें हमने चीनी नहीं डाली है क्योंकि मिल्क पाउडर में ऑलरेडी बहुत मीठा होता है। तो और अब इसको मैं अच्छे से पैक कर दूँगी, और पैक करके मैं इसको फ्रीज़र में रखूँगी 7 से 8 घंटे के लिए, फ्रीज़र में फ्रीज़ होने के लिए रख दूँगी। 7 से 8 घंटे में हो जाता है, वैसे तो पहले भी हो जाता है, पर 7 से 8 घंटे में अच्छे से आइसक्रीम बन जाएगी हमारी। तो अब हमारी आइसक्रीम जम के पूरा रेडी हो चुकी है, अब मैं इसको निकाल लूँगी। तो देख रहे हो कितनी सुंदर आइसक्रीम बनी है, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी थी। तो प्लीज़ एक बार ट्राई करना, कमेंट करके बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।